केवी ऑनलाइन प्रवेश कक्षा 1 में पंजीकरण के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में 2 आवश्यक चरण हैं: पोर्टल पर पंजीकरण करना और आवेदन पत्र भरना और जमा करना। इस वीडियो में हम पोर्टल पर पंजीकरण के पहले चरण के बारे में बताएंगे। यहाँ मैंने केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल वेब पेज खोला है। कृपया ध्यान दें, यह पोर्टल विशेष रूप से पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए है। पेज के शीर्ष पर हमारे पास होम, हेल्प डेस्क, FAQs, रजिस्टर, लॉगिन लिंक्स हैं। फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स सैंपल्स, प्रिंट एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस है। दाएं पैनल पर हमारे पास इम्पोर्टेंट लिंक्स सेक्शन है। आवेदन करने के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी यहां उपलब्ध है। यदि आप पहली बार इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो पंजीकरण पेज पर जाने के 2 तरीके हैं। आप पेज के निचले भाग पर स्थित न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं या पेज के ऊपरी दाएं कोने में रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें। पेज को नीचे स्क्रॉल करें, पेज के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं। एक नया पेज खुलता है। बैक टू इंस्ट्रक्शंस पेज बटन पर क्लिक करें। निर्देशों के साथ पेज खुलता है। निर्देश हिंदी में भी उपलब्ध हैं। हिंदी टैब पर क्लिक करें। इंग्लिश टैब पर क्लिक करें। इंग्लिश पेज के निर्देशों पर वापस जाएं। इस पेज पर पढ़ने की आसानी के लिए निर्देश विभिन्न वर्गों में दिए गए हैं। पंजीकरण शुरू करने और फॉर्म भरने से पहले कृपया निम्नलिखित तैयार रखें। कृपया पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले सभी सेक्शंस पर जाएं। कृपया फॉर्म भरते समय इन सेक्शंस में दिए गए विशिष्ट निर्देशों को संदर्भित करें। सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करें। पंजीकरण पेज पर आने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से पेज न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ खुलता है। सभी आवेदकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। कृपया आवेदन केवल इंग्लिश में भरें। प्रदर्शन के लिए मैंने यहाँ पंजीकरण फॉर्म भरा है। कृपया लाल रंग से तारांकित सभी अनिवार्य फील्ड भरें। बच्चे का पहला, मध्य और अंतिम नाम जन्म प्रमाण पत्र या अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के अनुसार प्रविष्ट करें। Is the child differently abled के लिए यदि लागू हो तो यस का चयन करें, अन्यथा नो का चयन करें। यदि आप यस का चयन करते हैं तो कृपया रजिस्ट्रेशन साइन अप फर्स्ट टाइम यूजर के तहत निर्देशों का पालन करें। जन्म प्रमाण पत्र में प्रदर्शित जन्म तिथि भरें। कृपया निर्देश पेज में दी गई आयु सीमा के बारे में निर्देशों को पढ़ें। कृपया ध्यान दें, यहां दर्ज की गई जानकारी सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं की जा सकती। क्या प्रवेश पाने वाला बच्चा केवीएस कर्मचारी का बच्चा या पोता है? यह भाग अनिवार्य है। साइन अप के बाद इस जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें। सही ईमेल प्रविष्ट करें। भारतीय सिम कार्ड के साथ एक मान्य मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें। कृपया अपना स्वयं का मोबाइल नंबर दें। आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि मित्रों, रिश्तेदारों और साइबर कैफे मालिकों जैसे दूसरों के मोबाइल नंबर प्रदान न करें। इस मोबाइल नंबर का उपयोग जानकारी भेजने और SMS द्वारा OTP के लिए किया जाएगा। ऊपर दिखाए गए कैप्चा कोड को टाइप करें। इस फील्ड में अक्षर संवेदनशील होते हैं। कृपया प्रविष्ट की गई जानकारी की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फील्ड भरे हुए हैं। कृपया ध्यान दें, पंजीकरण के दौरान उपरोक्त फील्ड में प्रविष्ट की गई जानकारी को प्रवेश आवेदन पत्र में पहले से भरा हुआ दिखाया जाएगा।
प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय इस जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे इन सूचनाओं को सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। यदि फॉर्म को फिर से भरना चाहते हैं तो एक रीसेट बटन भी है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर ठीक से काम कर रहा है ताकि उसमें SMS द्वारा भेजा जाने वाला OTP प्राप्त हो सके। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। OTP पेज खोलने की पुष्टि करें। आपको एक OTP नंबर वाला SMS मिलेगा। ये OTP केवल 15 मिनट के लिए मान्य है। एक बार जब आपके पास OTP नंबर तैयार हो जाएगा तो इस पेज पर सही OTP नंबर प्रविष्ट करें। कैप्चा कोड टाइप करें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके एक मिनट बाद रीसेंड OTP बटन सक्षम हो जाएगा। यदि आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के 5 मिनट के भीतर अपने मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा OTP प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड OTP बटन पर क्लिक करें। रीसेंड OTP बटन को एक बार में क्लिक किया जा सकता है और इसे क्लिक करने के बाद ये गायब हो जाएगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। यूनिक लॉगिन कोड के साथ स्वीकार्य पेज दिखाई देगा। कृपया लॉगिन कोड को सावधानीपूर्वक सेव करें और इसे दूसरों के साथ साझा न करें। इस लॉगिन कोड की जरूरत प्रवेश आवेदन पोर्टल में प्रवेश करने और अपना प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के लिए है। लॉगिन कोड भी पंजीकृत ईमेल पते और SMS द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आपको लॉगिन कोड वाले स्वीकार्य पेज को सेव करने और प्रिंट करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। इस पेज पर लॉगिन कोड, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए बिना आवेदन फॉर्म को लॉगिन करना और जमा करना संभव नहीं है। इस पेज को सेव और प्रिंट करने के लिए पेज के निचले भाग पर प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस पेज को सेव करने के लिए प्रिंट टू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। फाइल बटन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स में नेम फील्ड में अपने पसंद का फाइल नाम टाइप करें। अपने सिस्टम पर सुविधाजनक स्थान पर सेव करें। पेज को सेव करने के लिए सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें। पेज को प्रिंट करने के लिए नीचे दाएं कोने में प्रिंट बटन पर क्लिक करें। हमने अब पंजीकरण का पहला चरण पूरा कर लिया है। अब हमें आवेदन पत्र भरने और जमा करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण पर आगे बढ़ाना होगा। प्रवेश आवेदन पत्र कैसे भरें और जमा करें? प्रदर्शन के लिए कृपया आवेदन पत्र भरने पर इस वीडियो को देखें। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।